नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 और 9 मार्च की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसे होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दोनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 8 मार्च की बात करें तो दोस्तों इन दिन मंगलवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और दोस्तों इन दिन कृतिका नाम का नक्षत्र रहेगा। जी दोस्तों, दिन योग की बात करें तो बैद्रिति नामक शुभ योग और विषकुंभ नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। वह दोस्तों दिन राहु काल के समय शाम के 3:33 लेकर शाम के 5:01 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार कर जाएंगे। वह दोस्तों अगले दिन 9 मार्च की बात करें तो दोस्तों दिन बुधवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन कृतिका नाम का नक्षत्र रहेगा। जय दोस्तों, और इस दिन योग की बात करें तो विषकुंभ नाम का शुभ योग और प्रीति नामक दो शुभ योग इस दिन भी रहने वाले हैं। जय दोस्तों, और राहु काल के समय दोपहर के 12:37 से लेकर दोपहर के 2:05 रहेगा। जय दोस्तों, और चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि पर ही संचार करेंगे, यानी कि दोस्तों चंद्रमा दोनों ही दिन वृषभ राशि में रहने वाले हैं। तो आए दोस्तों, बात करते हैं दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में घर परिवार में आपकी सामंजस्य अच्छा रहेगा, किसी भी कार्य को करने का प्रयास सफल हो सकता है। आपकी सामंजस्य से घर का विकास अच्छा हो सकता है तथा दोस्तों यह समय के अनुसार अच्छी भाग्य उन्नति हो सकती है। घरेलू कार्यों में सबकी सहभागिता हो सकती है। वहीं दोस्तों, यह समय अगर आपकी नेगेटिव की बात करें तो भाग्य पक्ष कमजोर रहने के कारण समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। बहुत अधिक खर्च या फिर अचानक अधिक धन हानि के योग भी बना हुआ है। दोस्तों, सोच और निर्णय लेने में तीव्रता रहेगी, अर्थात निर्णय लेने में शीघ्रता करेंगे जिसका परिणाम उल्टा हो सकता है। तो दोस्तों, यश में आप कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। दोस्तों, क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें या फिर घबराइश में आप महत्वपूर्ण निर्णय को यश में ना लें। वहीं दोस्तों, यश में इन दिनों में आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम भी रह सकते हैं। कुछ मामलों में आपको मन माफिक परिणाम भी मिलने के योग हैं। कुछ मामले में आपको निराश भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपने ऊपर दोनों तरह की परिस्थितियों का असर ज़्यादा होने न दें। अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई कदम उठाने के लिए यह समय अच्छा है। दोस्तों, यह समय किसी धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों जॉब के लिहाज से ये दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। वहीं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के मामलों में आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। दोस्तों, इन दिनों में आपकी जो आमदनी है निरंतरता बनी रहेगी, आमदनी के नए स्रोत मिलने के भी उम्मीद हैं। किसी व्यापार या फिर व्यवसाय को शुरू करने में खर्च हो सकता है। दोस्तों, यह समय आपको अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो स्थिति और बिगड़ सकती है। किसी भी विवाद को बढ़ने से पहले ही रोक लेना आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा दोस्तों आपका प्रेम संबंध टूट भी सकता है। दोस्तों, इन दिनों में रिश्तों के लिहाज से दिन आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, मनमुटाव के संकेत भी हैं। दोस्तों, यश में आप अपने साथी के साथ विनम्र व्यवहार करें। दोस्तों, इससे आपका लव लाइफ जीवन और भी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, यश में इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको पैरों में दर्द या फिर मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यश में ग्रहों के योग स्वास्थ्य को लेकर दोस्तों आपको अच्छा संकेत नहीं देता है। इस वजह से आप जो है स्वास्थ्य कुछ कमजोर रख सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। तो दोस्तों, यश में आप स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें। दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वहीं दोस्तों, यश में आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। परोपकारी स्वभाव के कारण आप हमेशा अन्य लोगों के संबंध में विचार करते हैं।
परंतु दोस्तों अपने लिए विचार करना आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों यश में आप अपने लिए विचार करने का प्रयास करें। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए यश में गणेश जी आपको परिवार और मित्रों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने की सलाह भी देते हैं। वह दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी पैसों को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में काम में प्रोजेक्ट परफेक्ट हो सकता है दोस्तों, लेकिन विभिन्न मामलों में जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि पूर्णता प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये असंभव भी नहीं है। गणेश जी कहते हैं कि जैसे जैसे घंटे बीतेंगे वैसे वैसे दोस्तों आपका निर्देश सफल होगा और आप अपने सफलता को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों आप परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का भी उपयोग यश में कर सकते हैं और करना भी चाहेंगे। वही दोस्तों यश में अगर आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो दोस्तों रिश्तों में खुशी पहली प्राथमिकता है और आप अपने साथी के चेहरे पर जो है खुशी लाना चाहते हैं। दोस्तों यश में कुछ गुप्त बातें आप साझा कर सकते हैं जो आपके साथी को दिलचस्प भी यश में लग सकती है। दोस्तों आप आज यश में अधिक उत्साहित भी हो सकते हैं क्योंकि आपकी रोमांटिक जो लाइफ है खुशियों से यश में भर जाएंगी। वही दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों गणेश जी को लगता है कि आप काम या यश में व्यस्त रहेंगे। आप अपने करियर पथ और प्रगति के बारे में भी भ्रमित होंगे। आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के आज मूड में नहीं रहेंगे। दोस्तों आज के दिन आप अपने कमाई को दुगना करने की बहुत सारी कोशिशें भी करेंगे। दोस्तों यश में गणेश जी को लगता है कि आप जो है कोई बहुत पूर्णता काम पूरा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप अपने दिन को जो है सकारात्मक मूड में रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों आपको निर्णय लेने में थोड़ी उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य यश में अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ कुछ समय अच्छा बीतने की यश में आप कोशिश करें। वहीं दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अन्न बन के चलते आपको तनाव हो सकता है। यश में आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों जो काम आपकी एकाग्रता को भंग करेगा, चंद्र की स्थिति की वजह से यश में आपको बेवजह जो है धन को खर्च भी करने पड़ सकते हैं। अगर आपको धन संचय करके रखना है तो दोस्तों जीवन साथी या फिर माता पिता से इस बारे में बात करें। बच्चों के साथ ज़्यादा सख्ती उन्हें नाराज कर सकती है। दोस्तों खुद को नियंत्रण रखने और यह याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा करने से आप अपने और उनके बीच जो है दीवार खड़ी कर लेंगे। दोस्तों यश में आपको निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने वीर के साथ शोर सपाटे पर न जा पाएं। कार्य क्षेत्र में हालात आपके पक्ष में रुख करते मालूम होंगे। दोस्तों इस राशि वाले जातकों को खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसे करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती है। दोस्तों चीज़ें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन अपने हरदम के साथ आप यश में अच्छा समय गुजारेंगे। दोस्तों यश में आप साधु अथवा गुरु को पीले या फिर भगवे वस्त्र पांव छूकर भेंट करने से यश में आपका पारिवारिक जो स्थिति है और भी अच्छा होगा, आपके लव लाइफ और भी अच्छे होंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, उसका जो भी व्यवसाय नौकरी हो, अपने आय का कुछ भाग प्रति महीने धार्मिक कार्यों अथवा जो है दान पुण्य में अवश्य ही खर्च करें। दोस्तों ऐसा करने से उस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, उसके परिवार में हर्ष उल्लास और सहयोग का वातावरण बना रहता है तथा सामान्यतः वह अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए जो है पर्याप्त धन अवश्य ही आसानी से कमा लेता है। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को जरूर शुरू करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं, आपका भविष्य इनसे बहुत ही उज्ज्वल होने वाले हैं। तो दोस्तों इन उपायों को करें और साथ ही और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।